अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंथेक्स कैप्सूल के बारे में इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है कैसे लेना है क्या प्राइस है ये सारी जानकारियां जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा तो सबसे पहले जो है प्राइस शुरुआत करते हैं तो ये जो है आपकी दो सौ में जो है एक स्ट्रिप आती है जिसके अंदर आपको दस कैप्सूल मिलती हैं तो देखिए प्राइस जो है समय के अनुसार बढ़ती रहती है तो जो आज की प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है अब ये जो है क्यूरेसियो हेल्थ केयर वालों की है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है अब इसको खरीदना कहाँ से तो देखिए जो भी एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आपको ये कैंथेक्स कैप्सूल मिल जाएगी और हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में इसमें क्या क्या है तो देखिए इसमें है अल्फ़ा लिपोविक एसिड जो कि 200 हंड्रेड में रहेगा ये आपका एंटी होता है और इसमें रहेगा बायोटीन फाइव एम में रहेगा और बायोटीन को आप विटामिन बी से भी जानते हो और इसके अलावा इसमें मिनरल्स हैं जैसे कि क्रोमियम 200 हंड्रेड में और जिंक है 25 फाइव में तो इन सारे इन्ग्रीडियंट्स जो है ये कैंथेक्स कैप्सूल बनाई गई है अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो देखिए ये कैंथेक्स कैप्सूल मेनली बनाई गई है कि स्किन की बीमारी होती है जिसको कहते हैं एथेंथोसिस नाइग्रिकेंस अब इसमें होता क्या है कि आपके स्किन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ की चमड़ी काली हो जाती है और मोटी हो जाती है जैसे कि गले में हो सकता है या फिर आमपिट कांख में हो सकता है या थाइस में हो सकता है और जैसे कि जहाँ जहाँ स्किन फोल्ड होती है वहाँ हो सकता है ये तो ये भाई काली चमड़ी और सख्त जो चमड़ी हो जाती है वो क्यों होती है तो मेनली होती है अगर आपका वजन बढ़ रहा है या फिर मोटापे के कारण ऐसा भी हम बोल सकते हैं अब ऐसे लोगों में जो है डायबिटीज़ के चांसेस भी होते हैं अगर आपको इस टाइप की बीमारी हो रही है स्किन में तो आपको हो सकता है कि डायबिटीज भी हो सकती है आपको थायराइड भी हो सकता है तो आप ये चेक करा लें तो बेहतर रहेगा कई बार जो है ये एक नाइग्रिकेंस जो है फ्रिक्शन और स्वेटिंग मतलब ज्यादा जो है रगड़ के कारण और ज्यादा पसीने के कारण भी ये बीमारी हो जाती है और कई बार आपने देखा होगा कि फोरहेड आपके माथे पर भी इस टाइप की बीमारी हो जाती है डार्क पैचेस बन जाते हैं तो इसको भी जो है एके नाइग्रिकेंस बोलते हैं और कई बार फेस पर भी होती है गाल पर भी हो जाते हैं और इसके अलावा हाथ और पैरों पर भी इस टाइप की बीमारी हो जाती है तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मेडिसिन जो खाते हैं हम कुछ मेडिसिन के कारण भी ये एक होता है मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपका मोटापा बढ़ रहा है हाल ही मेनली जो है मोटापे के कारण या वजन बढ़ रहा है उसके कारण होता है लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में देखा गया है कि मेडिसिन कुछ ऐसी ऐसी होती है मेडिसिन जो हम खाते हैं उससे भी हो सकता है ये या फिर आपको कैंसर का खतरा भी है अगर इस टाइप की बीमारी होती है तो हो सकता है कि आपको पहले कभी कैंसर हुआ था उस कारण हो रहा है या फिर आगे कभी कैंसर भी हो सकता है तो ये जो है मेनली बनाई गई है किसके लिए एकेसिस नैगरी कैंस जो बीमारी होती है स्किन में उसके लिए अब इस मेडिसिन के और भी फायदे हैं जैसे कि ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म को जो है ये इंप्रूव करती है मेडिसिन इसके अलावा मसल्स इंसुलिन सेंसिबिटी को भी ये बढ़ाती है ये कैंथेक्स कैप्सूल अब इसके अलावा आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई बालों के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें बायोटीन है जिंक है तो बिल्कुल ये बायोटीन और जिंक जो है आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं और आप बालों के लिए भी इसको ले सकते हैं बिल्कुल अच्छी है देखिए कोई भी जो इंग्रेडिएंट होता है ना उसे एक ही काम नहीं होते लेकिन ये जो कैंथेक्स कैप्सूल है ना ये स्पेशली जो बीमारी होती है आपकी एखेंथोसिस नाइग्रिकेंस उसको जो है उसके लिए बनाई गई है हालांकि इसके फायदे और भी रहेंगे क्योंकि ये जो आपकी कैंथेक्स कैप्सूल है स्किन के लिए मेनली स्किन को जो है ध्यान में रख के बनाई गई है तो फायदे तो बहुत सारे होते हैं कोई भी जैसे इन्ग्रीडियंट होता है जिंक होता है बायोटीन होता है उनके बहुत सारे फायदे होते हैं अब इसके अलावा देखिए आपको ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ सकता है अगर आपको इस टाइप की बीमारी हो जाती है आपकी काली चमड़ी वो सख्त हो जाती है शरीर में किसी भी हिस्से में ऐसा होता है तो एक बार जो है आप थायराइड का टेस्ट करा लीजिए शुगर का टेस्ट करवा लीजिए डायबिटीज़ का जो टेस्ट होता है और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो भी करा सकते हैं इसके अलावा जो फीमेल होती है ना अगर उनको ये बीमारी होती है तो स्पेशली एक पीसीओडी का टेस्ट होता है वो भी करा लें तो अच्छा रहेगा तो कई बार डॉक्टर जो है जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो एडवाइस भी करते हैं इस टाइप के टेस्ट अगर आपको इस टाइप की जो है एकेथोसिस नाइग्रिकेंस की बीमारी होती है तो तो देखिए इसके डोज के बारे में बात करते हैं इसको खाना कैसे है तो देखिए जनरली जो है एक दिन में जो है आपको एक ही बार ही कैप्सूल खानी होती है और कुछ भी खाने के बाद चाहे नाश्ता करो या खाना खाओ उसके बाद खा सकते हो सिंपल पानी के साथ ले सकते हो अभी तर जो है मेल फीमेल कोई भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं लेकिन बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चों को देना है तो डॉक्टर की सलाह से और जो प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी को भी डॉक्टर की सलाह से ही ये कैंथेक्स कैप्सूल को लेना है अब हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो शरीर में आपको खुजली हो सकती है रेसेस हो सकते हैं या फेस में कुछ पिंपल्स आते हैं या पेट वगैरह ख़राब हो जाता है ऐसा कुछ भी होता है तो आप इस कैप्सूल को लेना बंद कर दें और डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं अब देखिए अगर आपको एखेन थोसिस नाइग्रीगेंस होता है तो इसके साथ डॉक्टर कई सारे क्रीम भी देते हैं केवल आपको इस कैप्सूल से फ़ायदा नहीं मिलेगा इसके अलावा बहुत सारे क्रीम होते हैं स्ट्रॉयड होते हैं सेलीसाइगलिक एसिड वाले क्रीम होते हैं और आइसोटेटेनोइन वाले क्रीम भी होते हैं जो ट्यूब में आते हैं तो वो भी डॉक्टर जो है लगाने के लिए देते हैं और इसके अलावा नहाने के लिए एक एंटी बैक्टेरियल सॉप भी देते हैं और कई बार लेज़र थेरेपी भी जो है कराई जाती है अगर इस टाइप से जो है आपको स्किन की बीमारी होती है तो तो ये सारी जो है आपको ये सारी चीज़ें यह सारे ट्रीटमेंट करना पड़ते हैं केवल इसी कैप्सूल से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो बीमारी है नाइग्रिकेंस इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर इलाज नहीं है तो ये जो है आपको पूरे ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं जो कि डॉक्टर की सलाह से आपको कराने पड़ेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से अब जो है इधर में कुछ एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप एक एंथेक्स कैप्सूल लेते हो तो तो देखिए आपको जो है एक तो अल्कोहल नहीं लेना है और दूसरा आपको वेट को जो है कंट्रोल करना है अगर मोटापा है तो उसको कम करना है क्योंकि मोटापे के कारण जो है ये एकथोसिस नाइग्रिकेंस बीमारी हो जाती है और लाइफ चेंज करिए समय पर जो है नाश्ता करिए समय पर खाना खाइए समय पर मेडिसिन खाइए समय पर सोइए ये चीज़ें जो है आपको फॉलो करना पड़ेगी और आप जो है एक्सरसाइज करिए एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए तो दोस्तों मेरा वीडियो देरी खत्म होता है आपको काफ़ी कुछ जो है इस कैंथेक्स कैप्सूल के बारे में पता लग गया होगा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन